देखिए, पार्टी घोड़ों को रखना नहीं चाह रही, गधों को ही भगाना चाह रही है, और या तो फिर खच्चरों को भगा रही है। मुझे थ्रेटनिंग के फोन भी आ रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो, बैठ जाओ, ऐसा वैसा। भाई अभी फिलहाल मेरी स्थिति केजरीवाल से अच्छी है यार। जन जन के दिल का चहेता बनूंगा, नेता नहीं बेटा बनूंगा, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और बेटा बन के मैंने काम किया हूँ। पहले आप लोग मुझे जानते हो, मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूँ। मैंने अंबानी से लड़ाई लड़ी, मैंने अल्लाह के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया, जोमेटोज़ के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया, मैंने हिंदू मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की। देखिए, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम में चेंज लाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है, तो सिस्टम में बैठना पड़ेगा। लोगों ने मुझे बिग बॉस में बहुत पसंद किया, बिग बॉस देखते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं ओरिजिनल बिग बॉस के घर में जाके आया हूँ, जहाँ पे सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है, थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है तो लड़के मर जाते हैं। मुझे थ्रेटनिंग के फ़ोन भी आ रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो, बैठ जाओ, ऐसा वैसा। मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूँ, मैं लोगों का भला करने उतरा हूँ, और मुझे भला करना है। मैंने ये नेता रह के नहीं, मैंने इंसान रह के भी किया हूँ ये। एज एन एक्टर जब मैं था तो मैंने लड़ाइयाँ रोड पे उतर के लड़ी, आपको पता है, मीडिया वाले की लड़की को जो अंधेरी इसमें हॉस्पिटल में 4.5 लाख रुपयों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसको छोड़ रहे नहीं थे, आपको ये पता होगा, यूट्यूब पे है वो। सारे मीडिया वाले मुझे फ़ोन किए, मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी, मुझ पर पुलिस केस हुआ, मैं जेल भी गया, लेकिन मैं 4.5 लाख रुपये भर के उसको लेके आया। वो मेरी बहन, उसकी बच्ची, दोनों मेरे लिए दुआएं करते हैं। सर, मैं सिस्टम में आऊँगा तो कुछ कर पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा साथ दें। मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूँ जो लड़ाई लड़ेगा, ग्राउंड पे उतर के लड़ेगा, और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमें मंदिर मस्जिद ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अभी हमें स्कूल की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए, मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, तो एक्चुअली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता ये नहीं कहती कि तुम मुसलमानों को मार दो, कोई कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि आप हिंदुओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो, ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। इसको धर्म पे ठोक के लोग राजनीति खेल रहे हैं, तो आप तोड़ने की राजनीति बंद कर दो, जोड़ने की करो। आप अगर जोड़ दे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तो भारत देश कहाँ पहुँच सकता है। भाई, हमेशा आप सच बोलते हो और आपके एक डायलॉग भी है कि हमने सच बोला तो मिजाज पिला दिया गया। तो आप सच बोलते हैं, थोड़ा तरीका अलग है आपका बात करने का। देख, आपको लगता है आप टिकट लिए, 10 आपके तो आपके ऊपर झूठे केस हुए, आपके पिक्चर को फंसाने की तैयारी में लग गए होंगे आदि लोग। सर, लग जाने दो। देखो, वो तो जिल्लो मंतुसा, वो तो इज्जो मंतुसा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बोले जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये लोग कुछ भी कर ले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरी जो शुरुआत हुई कुरला में, जब मैं गया तो मुझे माओ ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसलमान का गेम ही ख़त्म कर दिए वो, कि एक मेरी माँ यहाँ से आई दाल घोष लेके, एक मेरी माँ वह गुजराती वो भी, और दोनों ने मेरे को दुआएं दी कि एजाज हम तुम्हारे साथ है बेटा, हम तुम्हें देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, इस पे तुमने कोरोना में इतना काम किया, तुमने कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए काम किया, तुमने हार्ट पेशेंट लोगों के लिए काम किया, तुमने हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी, तुम जेल गए, सब पता है आम जनता को। इसीलिए ये लोग बौखला गए,
अब ये लोग अंदर अंदर नीचे से मेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। देखो, नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, बदनाम तुम्हें ये लोग कर देंगे। इनके पास पूरी टीम है। कि आपकी स्थिति केजरीवाल जैसी कर दी है भाई? अभी फिलहाल मेरी स्थिति केजरीवाल से अच्छी है यार। फिलहाल तो अच्छी है, उनको तो खैर अच्छे नेता है वो। और देखिए, ये वैसा ही है जेल भरो आंदोलन। अगर आप उनके साथ नहीं हो, आप उनके खिलाफ हो, तो हम 26 महीना काट के आए केजरीवाल जी, हम मजे ले चुके ये चीज़ के। महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन, और ये जो गरीबों के जो ये पानी के मसले हैं, ये घरों के मसले हैं, जो बिल्डर्स इनको बेवकूफ़ बना देते हैं, इनकी साइंस लेके SRA में इनके घर छीन लेते हैं, इनको अंधेरी से कुरला से पहुंचा देते हैं, कुरला से सीधा पहुंच जाते हैं ये मुमरा, ये साकीनाका से सीधा पहुंच जाते हैं कहीं और। मेरे को ये लड़ाई लड़नी है जिसमें बहुत सारे माफियाज और बिल्डर्स मिल के ये काम करते हैं, गरीबों के घर छीन लेते हैं और उन गरीबों को पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं। उस लड़ाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी। आप मुझे एक नेता बता दीजिए वो लड़ाई में वो नेता हो, क्योंकि बिल्डर और माफियाज ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले लेते हैं जो सालों से वहाँ रहते हैं उनका, और उसके बाद कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं है। वो लड़ाई मुझे लड़नी है। मैं अपने आप को ही अपनी चुनौती मानता हूँ। मेरे अंदर क्या कमियाँ है मैं उसको सही करके ये पूरे मेरी टीम के साथ मेहनत करूँगा। मैं देख ही नहीं रहा हूँ लोग कहाँ जा रहे, कौन से नारे लगा रहे, क्या कर रहे। अगर मैं उनको देखने बैठ जाऊँगा तो फिर मैं काम क्या करूँगा। उन लोग मुझे ज़रूर देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है मुझे। भाई, किसी पार्टी ने ऑफर किया, निर्दलीय खड़े हुए हैं, किस पार्टी ने आपको ऑफर किया सामने से? किसी पार्टी से लड़ते तो और आसान हो जाता आपके लिए। हाँ, किसी पार्टी को? अरे, पार्टी मुझे लेना नहीं चाहती पवन जी। देखिए, पार्टी घोड़ों को रखना नहीं चाह रही, गधों को ही भगाना चाह रही है, और या तो फिर खच्चरों को भगा रही है। घोड़े उनको चाहिए नहीं, क्योंकि घोड़ा भागेगा और जॉकी ठीक नहीं है, घोड़ा भागा तो जॉकी गिर जाएगा। तो इसलिए अंधा राजा और काणा सिपाही ऐसा हो गया है। देश को ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के चार पायों को पहले हिला रहे। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान की डिबेट हमें क्या करना रे भाई? पाकिस्तान में क्या हो रहा, हमको हिंदुस्तान में क्या हो रहा, उससे लेना देना हमको? हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है बंबई के अंदर। मैंने हॉस्पिटल के लिए काम किया तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अस्पताल नहीं है जहाँ पर जाए तो आदमी तुरंत इलाज कर पावे, जो गरीब लोग जाते मरी जाते भाई। बाकी सब है कसाई खाने, अंबानी में आदमी जा नहीं पाएगा गरीब आदमी, वहाँ पे तो ये बड़े बड़े लोग जाते हैं और फिर बिल बनता है उनका, वो 5-star होटल है। उधर कोई भी आता पीछे के रास्ते से, ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऊपर बड़े बड़े रूम है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई? वो केम्स में जाता है, इधर जाता है, वहाँ जाता है तो उसको बोलते, अरे आप बैठिए लाइन में, ये फॉर्म भरिए। अरे, गाली देने का मन करता है, हम खुद पढ़ा लिखा होता ये बेचारा गरीब तो फॉर्म नहीं भर रहा होता, तेरे को सिखा रहा होता तेरी ड्यूटी क्या है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है वो, अब तू उसको फॉर्म दे रहा है हाथ में, अब वो जाके 10 लोगों को पूछ रहा है, भाई साहब ये फॉर्म कैसे भरते, भाई साहब ये बताइए जरा। अब वो आदमी बिजी है, बोलते हैं भाई आगे जा, तो गरीब का तो जो बच्चा है या कोई है वो तो मर जाएगा। तो क्या हो रहा है, मर रहा गरीब है। मुझे गरीबों की लड़ाई लड़नी है, मुझे ये क्या बोलते हैं उसको, अपर क्लास, आई डोंट केयर अबाउट देम। वो उन लोग का सब चल रहा है, उन लोग अपना टैक्स भर रहे, खा रहे, पी रहे, चोरी कर रहे, सब कर रहे। आई एम कंसर्न अबाउट दिस पीपल जो अपने हक के लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, और अब इतना रो चुके हैं कि वो अपनी गुहार को भी नहीं उठा रहे, इतना दब चुके हैं वो लोग, इतना दबा दिया। मैं उन लोग की आवाज़ बनना चाहता हूँ, चाहे वो दलित हो, मराठी हो, मुसलमान हो, फलाना हो, ढिमका हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी होना मांगता है।